हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डॉक्टर प्रणाली मिश्रा। और आज का जो सेशन है, आज से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज से हम एक यूनिट वाइज सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। हमारी बायोलॉजी में, जी बायोलॉजी में 10 यूनिट्स आती है ना। सो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक हम हर यूनिट एक एक दिन करेंगे। हर यूनिट के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड 90 क्वेश्चंस होते हैं, टॉप 90 क्वेश्चंस होते हैं। ये क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, तो आज से ही हम ये सीरीज शुरू करिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द न्यू सीरीज एंड वेलकम टू द सेशन टॉप 90 क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट विद द सेशन, क्या आप अपने फ्रेंड्स से आज के लिंक शेयर कर सकते हैं, सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन जॉइन। अपने ग्रुप में बता दीजिए, ठीक है, कि मैम इज लाइव, सो मैक्सिमम पीपल कैन जॉइन द सेशन। ऑलराइट, तो अब हमारे पास क्या होने वाला है, हमारे पास 90 क्वेश्चंस आने वाले हैं। नरो आप लोगों को इनका आंसर लाइव देना है इन द कमेंट बॉक्स। ओके, एंड this you can follow. This is the Telegram channel, Neat Biology with Dr. Pranali. You can subscribe this channel. और यहाँ पर इस session का PDF और answer की दोनों मिल जाएंगे। After this session is over, you can get PDF and answer की over here. ठीक है? And the next thing is, ये Instagram है, you can follow this Instagram account for other information. क्या आवाज एक हो रही है क्या? मैं चैट पढ़ रही हूँ। शुरू करते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म can be unexceptionally distinguished from the non-living thing on the basis of their ability for. बताइए कैसे हम unexceptionally कर सकते हैं distinguish living और non-living organism के बीच में? तो options are being sterile, reproduction, movement and extrinsic growth. तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या चीज़ लिविंग थिंग करती है जो नॉन लिविंग नहीं करेगा। मतलब अगर ये कोई चीज कर रही है तो वो डेफिनेटली लिविंग ही है। तो इसका आंसर है रिप्रोडक्शन। मतलब अगर कोई रिप्रोडक्शन कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है, डेफिनेटली हमारा लिविंग ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। इसका आंसर है रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 2, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर पढ़ना है, फॉर्म पढ़ना है, तो उसे क्या बोलेंगे? इट विल बी नोन एज मॉर्फोलॉजी। जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो दैट इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट क्लोजली रिजेंबल ईच अदर एंड फ्रीली इंटरब्रीड इन नेचर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की की जो है वो इस वर्ड में लाइक करती है कि ये इंटरब्रीड करने का क्या मतलब होता है। तो इंटरब्रीड करने का मतलब होता है ए। इंटरब्रीड मतलब ये स्पीशीज, इट इज ए। ओके, तो स्पीशीज ये क्या कर पाती है, इंटरब्रीड कर पाती है, इंटरब्रीडिंग कर रही है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ द स्पीशी। नेक्स्ट, Which of the following statement regarding nomenclature is correct? Nomenclature के बारे में कौन सा statement correct है? Generic name always begins with capital letter, whereas specific names with small letter.
scientific name should be written in italics. Scientific name, when typed or handwritten, should be underlined. सही बात है. जब हम होमो सेपियन लिखेंगे तो एच कैपिटल लिखेंगे, एस क्या करेंगे, स्मॉल लिखेंगे. ठीक है, जब इनको लिखेंगे तो अंडरलाइन करेंगे, प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स करेंगे. द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. इनमें से कौन सा करेक्ट है. साइंटिफिक नेम टमेरेंडस नहीं, इंडिकस नहीं, इंडिका नहीं. It is Tamarindus indicus. E capital, I small, generic name, specific name. Next. ICBN stands for. ICBN का क्या full form होता है? ICBN का क्या होता है? Very good. So it is International Code for Botanical Nomenclature. International Code of Botanical Nomenclature. Next. As we go from species to kingdom. स्पीशीज बेसिक यूनिट है हायरार्की की. जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं, ठीक है, कॉमन कैरेक्टर्स का क्या होगा, तो कॉमन कैरेक्टर हमारे डिक्रीज हो जाएंगे क्योंकि किंगडम्स ब्रॉड है. प्लांटी, एनिमेलिया, इनमें कम सिमिलैरिटी है. दो स्पीशी के बीच में ज्यादा सिमिलैरिटी है. जीनस रिप्रेजेंट्स. जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है, तो जब बहुत सारी है, जैसे पैंथरा एक जीनस है, इसके अंदर कौन कौन सी स्पीशी आती है, लियो, पार्डस और टिग्रिस. मतलब पैंथरा क्या करता है बेटा, पैंथरा ग्रुप है क्लोजली रिलेटेड स्पीशी का, प्लांट और एनिमल्स का. नेक्स्ट, बोटानिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क हैव. बोटानिकल गार्डन्स और जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है, तो इनमें लाइव स्पेसिमेंस होते हैं. सबसे पहले तो है ना, म्यूजियम में डेड होते हैं ना, ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैं लिख देती हूँ. म्यूजियम में क्या होता है, डेड होता है. और जू में और बोटानिकल गार्डन में क्या होता है, लाइव होता है. ठीक है, तो इट इज द कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्सोटिक लिविंग स्पीशी. क्वेश्चन नंबर 10. बेटा आई डू अंडरस्टैंड दैट एको हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करेंगे बेटा, अगर हम इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे तो इसमें हमारा ही लॉस है. नेक्स्ट सेशन में आई विल डेफिनेटली फिक्स इट अप. प्लीज ट्राई टू एडजस्ट इन दिस सेशन. और डू यू वांट मी टू डिसकंटिन्यू दिस. इफ यू वांट मी, हम डिसकंटिन्यू करते हैं. कल से यूनिट 1 शुरू करते हैं. एंड इफ यू वांट, हम इसको कंटिन्यू कर सकते हैं. I'm waiting for your comments. अगर आप बोलते हो तो we can discontinue this. ये echo हो रहा है. I'll get a new session arranged. I'm waiting for your comment. What can we do? बताओ. तो मैक्सिमम बच्चे बोल रहे हैं माइक ऑफ कर दो. जस्ट अ सेकंड. हेलो 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 हेलो. ठीक है, अब शायद आवाज नहीं आ रही हो इतनी. Question number 11. An organism is in the same class but not in the same family. It may belong to same. तो जो बेटा same class में क्या hierarchy होती है, kingdom, phylum, division, class, order, family, genus, species. ठीक है, तो 11th पे आके हम check करते हैं इसको कि same class में तो है लेकिन सेम फैमिली में नहीं है. तो हो सकता है सेम ऑर्डर में हो, इसीलिए आंसर हो जाएगा ऑर्डर. इसीलिए आंसर विल बी ऑर्डर. चलिए नेक्स्ट पर आते हैं. विच इज ट्रू फॉर आर्की बैक्टीरिया.
आर्की बैक्टीरिया के लिए क्या ट्रू है। तो आर्की का मतलब होता है ओल्ड, तो जो सबसे ओल्ड है, जो सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, दैट विल बी नोन एज आर्की बैक्टीरिया, इट इज द ओल्डेस्ट लिविंग बी। माइकोराइजा रिप्रेजेंट्स, माइकोराइजा क्या रिप्रेजेंट करता है, क्वेश्चन नंबर 13, माइकोराइजा क्या रिप्रेजेंट करता है। हाँ, तो माइकोराइजा रिप्रेजेंट करता है सिम्बायोसिस, ठीक है। सिम्बायोसिस मतलब किसके बीच में, लाइकेन प्लस रूट्स ऑफ दी हायर प्लांट के बीच में, रूट्स ऑफ दी हायर प्लांट के बीच में। नेक्स्ट, विच वन बिलोंग्स टू मनरा, मनरा को कौन बिलोंग करता है, इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक है, अमीबा प्रोटोजोन, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो बचा कौन, जो बच रहा है एंटेरोकोकस, कोकस मतलब कोकाई, स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, वेरी गुड। इश्चेरिश्चिया कोलाई इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोलॉजिकल रिसर्च एज इट इज, ई कोलाई बायोलॉजिकल रिसर्च में यूज होता है ना, क्यों यूज होता है बेटा इतना ज़्यादा, तो एक्चुअल में क्या है कि इट कैन बी ईजिली कल्चर्ड, इसको ईजिली कल्चर किया जा सकता है पेट्री डिश में या फिर कहीं भी, कल्चरिंग इसकी माइक्रोबायोलॉजी लैब में ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट, शेल ऑफ द डायटम इज मेड अप ऑफ, डायटम का शेल किसका बना है, डायटम का शेल बना है सिलिका का, इसीलिए ये सिलिका जब डिपॉजिट हो जाती है तो ये क्या बनाती है, डायटमेशियस, डायटमेशियस अर्थ बनाती है, केसल गुड़ बनाती है जो पॉलिशिंग वगैरह के लिए बाद में यूज होता है। विटेकर इज फेमस फॉर, विटेकर किसके लिए फेमस है, तो मिस्टर आर एच विटेकर जो थे, आर एच विटेकर, इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, इसीलिए फेमस है, 1969। नेक्स्ट, फंगस इज ऑलवेज, तो जो फंगस होती है बेटा इसका नेचर क्या होता है, ये हमेशा खुद का खाना खुद नहीं बना पाती, क्योंकि इसके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल नहीं है। फिर ये क्या करती है, ये क्या करती है, ये किसी और पे खाने के लिए डिपेंड करती है, तो इट डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर न्यूट्रिशन, किसी और पे डिपेंड करती है न्यूट्रिशन के लिए, इसीलिए ये क्या हो गई, इसीलिए ये हो गई सेप्रोट्रॉफिक भी बोलते हैं इसको हम, क्योंकि ये क्या करती है, बॉडी के बाहर एंजाइम रिलीज करती है और एक्स्ट्रा सेलुलर इंजेशन डाइजेशन करती है, फिर इसको क्या कर देती है, इंजेस्ट कर लेती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डीकम्पोजर, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ डीकम्पोजर, मतलब चीज़ों को डीकम्पोज करेगी। तो देखो एक्चुअल में फंगस यहाँ पे तीन हो सकती है, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकती है, पैरासिटिक भी हो सकती है, सेप्रोफाइटिक भी हो सकती है, पर यहाँ का क्वेश्चन है कि हमेशा क्या होती है, यहाँ का क्वेश्चन है कि ये हमेशा क्या होती है, ठीक है, तो हाँ, तो हमेशा ये हेटरोट्रॉफिक होगी, है ना। अगर ऑप्शन में बोथ नहीं है तो आप क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट लगाओगे, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आप लगाओगे कि हेटरोट्रॉफिक तो हमेशा होगी, हो सकता है कोई सी सेप्रोफाइटिक ना हो पर हेटरोट्रॉफिक हमेशा होगी। कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया इज नोन एज विब्रियो, विब्रियो कॉलरा, कॉलरा करता है ये। नेक्स्ट, जब फंगाई फीड्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर दे आर नोन एज, व्हेन फंगस फीड्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, अभी बताया ये, तो जब ये डेड ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करती है देन इट इज नोन एज सेप्रोफाइट। बेटा क्या हम स्पीड थोड़ी इंक्रीज कर दें क्या, वॉट इज ट्रू फॉर साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया के लिए क्या ट्रू है, तो साइनोबैक्टीरिया इज ब्लू ग्रीन एल्गी, कौन सी किंगडम को बिलोंग करती है, मोनेरा को बिलोंग करती है, क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती है, पर फोटो ऑटोट्रॉफिक भी होती है, लाइट यूज करके खुद का खाना खुद बना लेती है, इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑक्सीजेनिक विथ नाइट्रोजनेज। नेक्स्ट, वायरस एनवेलप इज नोन एज, वायरस एनवेलप इज नोन एज, वायरस एनवेलप इज नोन एज कैप्सिड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पजेसिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, कौन ऑर्गेनिज्म है जिसमें ऑटोट्रॉफिक के भी कैरेक्टर्स है, हेटरोट्रॉफिक के भी कैरेक्टर्स है, तो इसका आंसर है युगलीना, बिकॉज युगलीना इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, वेरी गुड बेटा।
पता आई रियली लाइक दिस एंड आई रियली लाइक दिस कि भले ही सेशन में एको हो रहा था बट यू पीपल रियली एडजस्ट वेरी वेल और पूरा सेशन अटेंड करके जाते हो. यू पीपल आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड है ना. नाइस. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू बेसिडियो माई सिटीज. बेसिडियो माई सिटीज को कौन बिलोंग करता है. ठीक है, तो बेसिडियो माई सिटीज में आएंगे हमारे अगैरिकस एंड यूस्टिलैगो. ठीक है, कौन आएगा बेटा बेसिडियो माई सिटीज में. हाँ जल्दी से बता दो. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल. यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल नहीं है. तो जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं वो कौन सी किंगडम में आते हैं. जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं वो मोनरा में आते हैं. मतलब बैक्टीरिया सारे मोनरा में आते हैं और ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया है. मतलब ये यूकैरियोट नहीं होगा. 25th. नेक्स्ट, इन यू बैक्टीरिया अ सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल. 26th. यू बैक्टीरिया में सेलुलर कंपोनेंट जो यूकैरियोटिक सेल की तरह है वो कौन सा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. न्यूक्लियस तो मेम्ब्रेन बाउंड, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड. राइबोसोम तो 70S, 80S. इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की और इसमें सेलुलोज की, तो हर में डिफरेंस है ना. लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों का सेम है. बी जी ए रेफर्स टू. सो इजी क्वेश्चन बेटा, बी जी ए किसको रेफर करती है. व्हाट इज बी जी ए. तो जो बी जी ए होता है दैट इज साइनोबैक्टीरिया. इट इज ब्लू ग्रीन एल्गी, पार्ट ऑफ द किंगडम मोनेरा. एन ऑर्गेनिज्म विच इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट. अभी बताया है और अभी ही रिपीट हुआ है. सो इट इज युगलीना. युगलीना कनेक्ट करता है प्लांट्स को और एनिमल्स को. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन क्लोरोफिल. क्लोरोफिल कंटेन नहीं करता. तो जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है मतलब उसमें तो डेफिनेटली क्लोरोफिल है. जैसे टेरिडोफाइटा में क्लोरोफिल है, ब्रायोफाइटा में क्लोरोफिल है, एल्गी में क्लोरोफिल है, लेकिन फंगस में क्लोरोफिल नहीं है. तो आंसर विल बी 1. प्रोटिस्ट कंटेन्स. प्रोटिस्ट क्या कंटेन करते हैं. ठीक है, बताइए प्रोटिस्ट में क्या क्या आता है. यीस्ट फंगस है तो नहीं आएगा. ये एनिमेलिया है तो ये भी प्रोटिस्ट में नहीं आएगा. मशरूम फंगस है, ये भी नहीं आएगा. तो आखिरी में क्या बचा, डी बचा, जहाँ अमीबा, पैरामेशियम, डायनोफ्लेजिलेट सभी प्रोटिस्ट को बिलोंग करते हैं. नेक्स्ट, डाई एटम्स आर. डाई एटम्स क्या होते हैं. तो डाई एटम्स क्या होते हैं, प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा में आते हैं ना. प्रोटोजोन्स में तो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट होते हैं, है ना. तो इधर हम डालेंगे, हम 31 ब्रॉड टर्म डालेंगे. सी, बोथ क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी आर प्रेजेंट इन. बोथ क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी किसमें प्रेजेंट होगा. तो इट विल बी प्रेजेंट इन दी ग्रीन एल्गी. किसमें प्रेजेंट होगा, इट विल बी प्रेजेंट इन दी ग्रीन एल्गी, है ना. इट विल बी प्रेजेंट इन दी ग्रीन एल्गी इन दी क्लोरोफाइसी. नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी. ब्रायोफाइट्स को और एल्गी को हम सेपरेट कर सकते हैं. किस बेसिस पे सेपरेट कर सकते हैं. तो ब्रायोफाइट है ना के पास आर्चिगोनिया है, एल्गी के पास नहीं है, है ना. एल्गी के पास आर्चिगोनिया नहीं है, ब्रायोफाइट्स के पास आर्चिगोनिया है. वेरी गुड बेटा, रिप्लाइंग इट वेरी नाइसली. बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हो आप लोग, अमेजिंग. नेक्स्ट पर आ जाओ. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द ब्रायोफाइटिस. ब्रायोफाइट का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है. तो इट इज एंथ्रीडियम. इट इज एंथ्रीडियम. डू नॉट फॉर्म एम्ब्रियो इन प्लांट किंगडम. कौन ऐसा है प्लांट किंगडम में जो एम्ब्रियो फॉर्म नहीं करता. तो इट इज थैलोफाइटा. ठीक है, इट इज थैलोफाइटा. इट इज एल्गी जो क्या करता है, नहीं फॉर्म करता है एम्ब्रियो इन द प्लांट किंगडम. ब्रायोफाइट्स को और क्या बोला जाता है. अरे बेटा कितना ईजी क्वेश्चन है, बताओ. ब्रायोफाइट्स को और क्या बोला जाता है. ब्रायोफाइट्स आर नोन एज, हाँ एग्जैक्टली,
ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बिकॉज इनको वाटर भी चाहिए और इनको क्या चाहिए, लैंड भी चाहिए. वाटर क्यों चाहिए? फर्टिलाइजेशन. लैंड पे तो क्या करता है, रह लेता है ये. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ. कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इज, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के बीच का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है? तो दोनों को ही क्या चाहिए, अभी तो वाटर चाहिए फॉर दी फर्टिलाइजेशन, तभी ही शेडी प्लेस पे रहते हैं ये लोग. ठीक है, नेक्स्ट. द प्लांट ग्रुप दैट प्रोड्यूसेस स्पोर एंड एम्ब्रियो, स्पोर प्रोड्यूस कर रहा है, एम्ब्रियो प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, लेकिन लैक्स वैस्कुलर टिश्यू एंड सीड्स, वैस्कुलर टिश्यू और सीड्स नहीं है, तो दैट इज ब्रायोफाइटा. नेक्स्ट, अ प्लांट हैविंग सीड्स, सीड्स है बट फ्लावर्स नहीं है, फ्रूट्स नहीं है. अ प्लांट इज हैविंग सीड्स बट लैकिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, तो इसे हम बोलते हैं, इसे हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म तो हमारे क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म को हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं ना. एंजियोस्पर्म इज नोन एज फ्लावरिंग प्लांट, ये प्रोड्यूस कर देंगे फ्लावर्स फ्रूट्स एंड एवरीथिंग. टेरिडोफाइट डिफर फ्रॉम मॉसेस या ब्रायोफाइट्स इन, टेरिडोफाइट्स में और मॉसेस और ब्रायोफाइट्स में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस? बेटा आप वॉइस क्लियर है क्या, अब ऑडिबल हूं ना अच्छे से? ओके, तो 40 का आंसर हो जाएगा बी. ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स के पास वेल डेवलप्ड है ना वैस्कुलर सिस्टम आने लगेगा फॉर द कंडक्शन ऑफ द वाटर्स एंड मिनरल्स. क्लोरोफाइसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? इन क्लोरोफाइसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय, सो इट कैन अकर्स बाय आइसोगैमी, इट कैन अकर बाय एन आइसोगैमी एंड इट कैन अकर बाय ऊगैमी. ब्रायोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर बिकॉज, ब्रायोफाइट को पानी की क्या जरूरत है, क्यों वाटर पर डिपेंडेंट है? इसीलिए डिपेंडेंट है क्योंकि उनको वाटर चाहिए फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दे कैन नॉट ट्रांसफर देयर गैमेट्स इन एब्सेंस ऑफ द वाटर, तो वाटर चाहिए इसीलिए उन्हें क्या बोलेंगे हम, एम्फीबियंस भी बोलते हैं प्लांट किंगडम का. विदाउट एक्सेप्शन इज एंजियोस्पर्म, कौन सा कैरेक्टर इसमें एंजियोस्पर्म का है? विदाउट एक्सेप्शन, तो इट इज द डबल फर्टिलाइजेशन विच इज विदाउट एक्सेप्शन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. मतलब देखो एंजियोस्पर्म है तो डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा, सीधी बात. अगार इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अगार कमर्शियली किससे ऑब्टेन होता है? क्वेश्चन नंबर 44. अगार इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अगार इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बताइए जल्दी से. इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्रेड, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्रेड एल्गी. नेक्स्ट, क्लास के आखिरी में आई गिव शाउट आउट टू ऑल दी स्टूडेंट्स है ना हु आर रिप्लाइंग वेरी नाइसली. ब्राउन एल्गी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, ब्राउन एल्गी किसकी प्रेजेंस से कैरेक्टराइज्ड है? तो ब्राउन एल्गी इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द फ्यूकोजैंथिन. नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लमाइडोमोनासिस, क्लमाइडोमोनास का क्लोरोप्लास्ट कैसा है? तो क्लमाइडोमोनास का जो क्लोरोप्लास्ट है दैट इज कप शेप्ड, कैसा शेप है? कप शेप. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इन क्लमाइडोमोनास, दो सेल्स फ्यूज होते हैं है ना किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो जो क्लमाइडोमोनास में होता है दैट इज व्हाट, दैट इज आइसोगैमी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 पे आओ. It is bryophyte. Next question. Moss have which type of life cycle? Moss में कैसी life cycle होती है?
तो मॉस में होती हमारी हैप्लोडिप्लोंटिक, क्या होगी बेटा, हैप्लोडिप्लोंटिक होगी, हैप्लोडिप्लोंटिक लाइफ साइकिल, आज ही आया था ना मॉक में, वेरी गुड, बहुत अच्छे से याद है. ओके चलिए नेक्स्ट पर आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल कौन सा है, ठीक है, हाँ लिविंग फॉसिल है जिंको, जिंको इज अ, जिंको बायलोबा इज अ लिविंग फॉसिल. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग्स टू, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ब्लू ग्रीन एल्गी किसको बिलोंग करती है, ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग्स टू दी प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स को बिलोंग करेगी. नेक्स्ट, डाइकोटोमस ब्रांचिंग इज फाउंड इन, डाइकोटोमस ब्रांचिंग किसमें मिलती है, 52 बताइए, डाइकोटोमस ब्रांचिंग किसमें मिलेगी, इट इज फाउंड इन दी मार्केंशिया, ठीक है, इट इज फाउंड इन दी मार्केंशिया, 52 फ्लोरिडियन स्टार्च इज फाउंड इन, फ्लोरिडियन स्टार्च किसमें मिलेगा, 53 तो फ्लोरिडियन स्टार्च होगा बेटा इन दी रेड एल्गी. आपको सभी क्वेश्चन समझ आ रहे हैं ना, आर यू गेटिंग ऑल दी क्वेश्चंस, सो दीज आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 90 क्वेश्चंस ऑफ दिस यूनिट. एंड इफ देयर इज समवन, कोई अगर ऐसा है जिसने मतलब जिसको इसका PDF चाहिए एंड दे आर स्टिल नॉट ऑन दीज चैनल्स, सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम और सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे आपको क्या मिलेगा, इसका PDF मिल जाएगा विद इन अ डे, ठीक है, एक दिन में अवेलेबल हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट पर आते हैं. साइकस हैव टू कॉटिलिडन्स बट नॉट इंक्लूडेड इन द एंजियोस्पर्म, साइकस के पास दो कॉटिलिडन होते हैं पर इनको हम एंजियोस्पर्म में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इनके जो ओव्यूल्स हैं दे आर नेकेड, द ओव्यूल्स आर नेकेड. सिंपल लग रहे हैं सब, वेरी गुड. नेक्स्ट, पीट मॉस जो होता है पैकिंग मटेरियल में यूज होता है फॉर सेंडिंग द फ्लावर्स एंड लाइव प्लांट्स टू डिस्टेंट प्लेसेस बिकॉज, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, हाँ, व्हाई दिस पीट मॉस इज यूज्ड, सो इट इज यूज्ड बेटा बिकॉज इट सर्व्स एज हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल, है ना, पानी को ऐसे एब्जॉर्ब करके रिटेन करके रखता है, तो चीजों को फ्रेश रखता है, ये एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं. कॉनिफर्स डिफर फ्रॉम ग्रासेस इन दी, कॉनिफर्स और ग्रासेस में क्या क्या डिफरेंस था, तो कॉनिफर्स और ग्रासेस में ये डिफरेंस है कि एक में फॉर्मेशन एंडोस्पर्म का बिफोर फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, इसमें बाद में होता है, दिस इज द मेजर डिफरेंस. नेक्स्ट, इफ यू आर आस्क्ड टू क्लासिफाई द वेरियस एल्गी इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप, आपको बोला कि एल्गी को डिस्टिंक्ट ग्रुप में क्लासिफाई करो, सो आप किस बेसिस पे एल्गी को क्लासिफाई करेंगे, विच बेसिस आर यू गोइंग टू यूज टू क्लासिफाई द एल्गी, सो यू आर गोइंग टू यूज टाइप ऑफ पिगमेंट, है ना, रेड एल्गी, है ना, ब्राउन एल्गी, तो आप पिगमेंट के बेसिस पे ग्रीन एल्गी इसको क्लासिफाई करोगे. एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ, एल्गी का जो सेल वॉल होता है ये किसका बना हुआ होता है, क्वेश्चन नंबर 58, सो इट इज मेड अप ऑफ सेलुलेओस, गैलेक्टिन्स एंड मैनन्स, सो 58 का क्या हो जाएगा, 58 का हो जाएगा ए. वेरी गुड. नेक्स्ट पर आ जाते हैं अब हम लोग. इन एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स इनटू, फंक्शनल मेगास्पोर किस में डिवाइड होता है, हाँ तो फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स इनटू एम्ब्रियो सैक. इन जिम्नोस्पर्म लाइक पाइनस एंड साइकस द एंडोस्पर्म इज, ये एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, सो लेट अस मेक इट वेरी क्लियर. जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है इट इज हैप्लॉइड, इट इज एन, ठीक है, और जो एंजियोस्पर्म है, ठीक है, एंजियोस्पर्म में जो है दैट इज डिप्लॉइड. एंजियोस्पर्म में क्या है बेटा, इट इज ट्रिप्लॉइड. एंजियोस्पर्म में हमारा हो जाता है ट्रिप्लॉइड, एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड. तो 60 का आंसर हो जाएगा बी, कि जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म हैप्लॉइड है, एंजियोस्पर्म का ट्रिप्लॉइड है. नेक्स्ट, ऑल कॉर्डेट पजेस
सभी कॉर्डेट क्या पजेस करते हैं? तो सभी कॉर्डेट्स के पास क्या होता है, दे हैव एक्सियल स्केलेटन रॉड ऑफ नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, ठीक है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हो, सबके पास नोटोकॉर्ड होगी ही होगी. नेक्स्ट, अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल वर्टिब्रेट इज, सभी वर्टिब्रेट का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है जो सभी वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो बताइए, सब में ये डिवीजन प्रेजेंट नहीं होगा, दो पेयर ऑफ फंक्शनल अपेंडेजेस हो जरूरी नहीं है, बॉडी इज कवर्ड विथ एन एक्सोस्केलेटन, वी कैन नॉट ऑलवेज से दैट, पर बैकबोन सब में होगी, तो कॉमन क्या हो जाएगा 62 का, बैकबोन वाली चीज विल बी कॉमन फॉर ऑल ऑफ देम. नेक्स्ट पर आते हैं, बैकबोन वाला कॉमन रहेगा, वेरी गुड. न्यूमैटिक बोन्स आर एक्सपोज्ड, एक्सपेक्टेड टू बी फाउंड इन, न्यूमैटिक बोन्स किस में मिलती है, सो न्यूमैटिक बोन्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एव्स, ये बर्ड का कैरेक्टरिस्टिक है, बर्ड को उड़ने के लिए लाइट चाहिए ना, लाइट बोन चाहिए, तो लाइट बोन यही मिलेगी, तो 63 इसमें से बर्ड कौन सा है पहचान लीजिए, सो द बर्ड इज पिजन. नेक्स्ट, द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो एंड कनेक्टेड बाय एयर पैसेजेस, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अभी बताया मैंने कि बोन्स हॉलो रहती है ना, इनमें क्या रहते हैं एयर कैविटीज रहती हैं जिन्हें हम न्यूमैटिक बोन्स बोलते हैं, सो इट इज प्रेजेंट इन दी बर्ड्स, इट इज प्रेजेंट इन दी एव्स. इक्थायोपिस इज अ लिम्बलेस, इट इज अ लिम्बलेस वॉट, 65, सो इट इज अ लिम्बलेस एम्फीबियन, इक्थायोपिस क्या होगा, इट इज अ लिम्बलेस एम्फीबियन, इट इज अ लिम्बलेस एम्फीबियन. एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, जो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, जो वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं दे आर नोन एज प्लैंकटॉन्स, इन्हें क्या बोलते हैं प्लैंकटॉन्स बोलते हैं. अगर प्लांट हैं जो फ्लोट कर रहे हैं सो दे विल बी नोन एज फाइटोप्लैंकटॉन्स, ठीक है, और अगर एनिमल्स हैं, ठीक है, और जो फ्लोट कर रहे हैं दे विल बी नोन एज जू प्लैंकटॉन्स, इन्हें हम क्या बोलेंगे जू प्लैंकटॉन्स बोलेंगे. अर्थवॉर्म आर, अर्थवॉर्म क्या होते हैं 67, अर्थवॉर्म यूजफुल होते हैं, हार्मफुल होते हैं, यूजलेस होते हैं, मोर हार्मफुल होते हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अर्थवॉर्म, अच्छा रिप्लाई कर रहे हो, हाँ, तो जो अर्थवॉर्म होते हैं ये यूजफुल होते हैं, तो ये जो फार्मर्स हैं, अर्थवॉर्म आर ऑल्सो नोन एज फार्मर्स फ्रेंड, क्या बोले जाते हैं ये फार्मर्स फ्रेंड बोले जाते हैं, इस ये क्या करते हैं ना, इनको हम ऐसे कंपोस्ट में डाल देते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर का फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं, दे आर डेट्रीवोर्स, सो दे आर यूजफुल. अ कॉर्डेट कैरेक्टर इज, कॉर्डेट का क्या कैरेक्टर है 68, कैरेक्टर ऑफ कॉर्डेट इज पोस्ट एनाल टेल, पोस्ट एनाल टेल किसका कैरेक्टर है कॉर्डेट का. मेल्फीजियन ट्यूब्यूल्स आर, मेल्फीजियन ट्यूब्यूल्स किस में मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 69, मेल्फीजियन ट्यूब्यूल्स किस में मिलेंगे, सो जो मेल्फीजियन ट्यूब्यूल्स रहेंगे हमारे दे विल बी सीन इन, वेरी गुड. एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये इंसेक्ट्स का, है ना, आर्थोपोड को बिलोंग करता है. स्किन इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन, इन में से किसकी स्किन रेस्पिरेशन में मदद करेगी, तो स्किन जो रेस्पिरेशन में मदद करेगी दैट इज फ्रॉग, फ्रॉग की. सिल्क थ्रेड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क मोथ ड्यूरिंग, सिल्क ऑब्टेन कौन सी स्टेज में होता है, सिल्क इज ऑब्टेन्ड इन विच स्टेज, सिल्क कौन सी स्टेज में ऑब्टेन होगा, वेरी गुड, हाँ, तो इट विल बी ऑब्टेन्ड इन द प्यूपल स्टेज, प्यूपल स्टेज में. नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम एनालिडा, फाइलम एनालिडा का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. सूडोसिलोम ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये एस्केलमिंथस का कैरेक्टरिस्टिक है, ये राउंडवॉर्म का कैरेक्टरिस्टिक है, इट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एनालिडा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉरीफेरिन, इनमें से कौन सा पॉरीफेरा नहीं है, 73, स्पॉन्जला, साइकॉन, यू स्पॉन्जिया, ये सब क्या है, हाँ,
टीनो प्लानर नहीं है ना, इट इज टीनो फोर. नेक्स्ट नेक्स्ट पर आ जाएंगे हम लोग. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल इज बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिपलोब्लास्टिक. बायलेटरल सिमेट्री है और ट्रिपलोब्लास्टिक भी है. ये कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा? हाँ, तो दैट विल बी व्हाट बेटा, 74 का आंसर हो जाएगा सी. इट विल बी सी. वेरी गुड, अमेजिंग. एनालिडा विच अकर. अच्छा, एडल्ट इकाइनोडर्म की क्या सिमेट्री है? तो इसको याद करने का एक तरीका बताया था कि अजर्शन रीजन. तो एडल्ट की रेडियल है, तो एडल्ट की क्या हो जाएगी, 75 की बी. नेक्स्ट, स्पॉन्जेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय. स्पॉन्जेस किससे कैरेक्टराइज्ड हैं? तो स्पॉन्जेस के अंदर कॉलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं. इन कॉलर सेल्स को हम क्या बोलते हैं स्पॉन्जोसील में, क्वाइनोसाइट्स. तो स्पॉन्जेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय क्वाइनोसाइट्स. बुल फ्रॉग ऑफ इंडिया, इंडिया का बुल फ्रॉग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 77. तो इंडिया का बुल फ्रॉग कौन सा होगा? इंडिया का बुल फ्रॉग होगा राना टिग्रीना, राना टिग्रीना. मेंबर ऑफ इकाइनोडर्मेटा हैज अ स्पेसिफिक सिस्टम विच इज नॉट फाउंड इन अदर फाइलम. जो इकाइनोडर्मेटा का मेंबर होता है ना, उसमें ऐसा क्या होता है जो किसी और में नहीं प्रेजेंट है? तो दैट इज वाटर वैस्कुलर सिस्टम. पोरीफेरा में जो सिस्टम होता है दैट इज नोन एज वाटर कैनाल सिस्टम. इसे क्या बोलते हैं हम, वाटर कैनाल सिस्टम. लेकिन यही अगर हम देखेंगे इकाइनोडर्मेटा के सिस्टम को क्या बोलेंगे, तो इकाइनोडर्मेटा का जो सिस्टम होगा इसको बोलेंगे हम वाटर वैस्कुलर सिस्टम. ओके, नेक्स्ट, कॉमन इन वेल, बैट और रैट. इनमें क्या क्या कॉमन है, वेल में, बैट में और रैट में? तो यू अंडरस्टैंड दैट ऑल दीज आर मैमल्स. ये सब क्या है, मैमल्स हैं. ठीक है, तो इनके मैमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि मस्कुलर डायफ्राम होगा बिटवीन दी थोरैक्स एंड दी एब्डोमेन. थोरैक्स और एब्डोमेन में क्या होगा, वेरी गुड. और बताइए, गोरिल्ला, चिंपांजी, मंकी एंड ह्यूमन बिलोंग्स टू द सेम. किस सेम चीज को बिलोंग करते हैं ये लोग, किस सेम चीज को बिलोंग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 80. सो दे ऑल बिलोंग टू द सेम ऑर्डर. इज देयर समवन इन द क्लास जो मुझे बता सकता है कि इसका ऑर्डर क्या है, कौन से ऑर्डर को बिलोंग करते हैं? ऑर्डर ऑफ गोरिल्ला, चिंपांजी, मंकी एंड ह्यूमंस. वेल, वेरी गुड, द ऑर्डर इज प्राइमेटा. ऑर्डर क्या हो जाएगा, प्राइमेटा हो जाएगा. विच फीचर ऑफ आर्थ्रोपोड रेंडर्स देम केपेबल ऑफ बीइंग कॉस्मोपॉलिटन. कॉस्मोपॉलिटन मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दुनिया में हर जगह आपको मिल जाते हैं, हर हैबिटेट में, हर एनवायरनमेंट में. तो आर्थ्रोपोड के पास ऐसा क्या है जो उसको कॉस्मोपॉलिटन बनाता है? तो इट इज एक्सोस्केलेटन. बडिंग इज अ नॉर्मल मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन. ठीक है, बडिंग एक नॉर्मल मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. किस किस में? तो देखो, स्पॉन्जेस में बडिंग होती है, हाइड्रा में भी बडिंग होती है, यीस्ट में भी होती है, पर यहाँ पे मेनली ये दोनों आंसर में है तो हम यही करेंगे. नेक्स्ट, रेडियल सिमेट्री इज ऑफन एग्जिबिटेड बाय. रेडियल सिमेट्री को याद करने का एक तरीका है ना, सिलेंट्रेट, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा, इन सब की क्या होती है, रेडियल सिमेट्री. तो सीसीई पैटर्न चलता था सीबीएसई में, उससे हम याद रख सकते हैं है ना कि इनकी क्या हो जाएगी, रेडियल सिमेट्री हो जाएगी. नेक्स्ट, मैं पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं. आई विल मेक दिस पीडीएफ अवेलेबल टू यू. प्रेजेंट इन दी मोलस्क बट नॉट इन इकाइनोडर्मेटा. मोलस्क में है पर इकाइनोडर्मेटा में नहीं है. तो मोलस्क के पास रेड्यूला है ना, फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन, रेड्यूला. नेक्स्ट, स्पेशल कैरेक्टर ऑफ सिलेंट्रेट. सिलेंट्रेट का स्पेशल कैरेक्टर्स क्या है? तो सिलेंट्रेट्स को हम क्या बोलते हैं, और पोरीफेरा, ठीक है, सेकेंड होती है सिलेंट्रेट्स.
इसको हम क्या बोलते हैं, इसके फाइलम को निडेरियंस बोलते हैं. क्यों? क्योंकि इनके पास नेमाटोसिस्ट होते हैं जो एनकरेज प्रे है ना, इन सब में हेल्प करती हैं. पॉइंट आउट नॉन पैरासाइट, इसमें से नॉन पैरासाइट कौन सा है? टेपवॉर्म पैरासाइट है, मस्किटो पार्शियल पैरासाइट है, लीच पैरासाइट है. सी एनिमोन इज नॉट अ पैरासाइट. वॉट इज ट्रू अबाउट ऑल स्पॉन्जेस विदाउट एक्सेप्शन, स्पॉन्ज के बारे में ट्रू क्या है विदाउट एक्सेप्शन? तो सभी स्पॉन्जेस के पास क्या होते हैं? फ्लेजिलेटेड कॉलर सेल होते हैं. दे आर नोन एज क्वाइनोसाइट. इन्हें क्या बोला जाता है? क्वाइनोसाइट बोला जाता है. नेक्स्ट, द मेथड ऑफ डिस्पर्जल इन अमीबा. अमीबा में डिस्पर्जल का क्या मेथड है, कैसे अपने आप को डिस्पर्स करता है? तो जनरली है ना, स्पोरुलेशन की मदद से अपने आप को क्या करता है? डिस्पर्स करता है, है ना. इज दिस क्लियर बेटा? वेरी गुड, बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हो, वेरी गुड. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल पोस्ट एनाल टेल इज फाउंड. किसमें पोस्ट एनाल टेल मिलती है बताइए? पोस्ट एनाल टेल्स किसमें मिलेगी? कॉर्डेट्स में मिलेगी क्या? तो ये क्या है? नहीं. ये क्या है? नहीं. ये क्या है? नहीं. ये है क्या? हाँ मैम. तो द 89 का आंसर होगा डी. Which of the following is not typical of the class mammalia? है ना, mammalia में क्या नहीं मिलेगा, है ना? तो क्या मिलेगा बेटा? How many cranial nerves are there in mammals? तो इनकी जो होती है 12 pair of cranial nerve होती है, ना कि 10 pair. Thecodont होगा कि टीथ जो होंगे जॉ सॉकेट में एम्बेडेड होंगे, लंग्स में एल्वियोलाई होगी, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होगी. इट इज जस्ट कि ये 12th वाली चीज नहीं होगी. ऑल राइट, सो व्हाट द थिंग इज कि आप जो भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी अभी 9 यूनिट्स बचे हैं इसके सेशंस इसी पे मैं शेड्यूल करूँगी, है ना, डेली शेड्यूल करूँगी. टाइम माइट चेंज, मोस्ट प्रोबेबली टाइम होगा शाम को 5 बजे, पर आप यूट्यूब पर आके इसे देख सकते हैं कि मैं नेक्स्ट यूनिट के टॉप 90 क्वेश्चंस कितनी बजे ले रही हूँ. इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. इसे आज जो भी पढ़ाया है इसका अगर PDF और आंसर की चाहिए तो इस टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा. तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस टेलीग्राम चैनल. और कुछ भी अपडेट होता है तो इट इज अवेलेबल ऑन दिस इंस्टाग्राम. ठीक है, सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. एंड अगर आपको आज का सेशन बढ़िया लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो. मैं और ऐसे 9 यूनिट के वीडियोस के साथ आऊंगी और आपके पूरी 10 यूनिट्स के टॉप टॉप के जो क्वेश्चन हैं वो कवर करवाऊंगी.